इतना मारा कि हम भी और हमारे पापा को तो खैर मार ही दिया, उन्हें छोड़ रही किया गया उसमें, तो हमको भी ये आज भी यही हालत है कि हम भी आज भी मरे बराबर ही, हमको समझो इतनी हमारे गंभीर चोट अंदर लगी हुई है शरीर। अब उसकी वजह से, अब उसकी मरने की वजह से जी हमारी तो हिम्मत नहीं पड़ती, नहीं गाय को भैंस को वहाँ जाने के लिए तो हमारी अज्जा की हिम्मत नहीं पड़ रही कि हमारे ने तो जी डर लगता है अपने घर से बाहर जाने में। जो ड्राइवर था वो था हिंदू, अर्जुन नाम का, तो उसको उनने छोड़ दिया। वो बोला कि भाई ये हिंदू भाई है, इनको छोड़ दो और मुसलमान मुसलमानों को मारो। और बोले कि भाई पेट्रोल निकालो, डीजल निकालो गाड़ियों में से, इनमें आग लगा दो। एक तो हमारा बाप भी मर गया और दूसरा नंबर हम पे भी मुकदमा उल्टा लगा दिया आरबी एक्ट का। वे बोलते हैं कि भाई हरियाणा के लिए परमिशन नहीं था, जबकि हम हरियाणा गाय नहीं ला रहे थे, हम गाय ग्वाड़दा गांव में ला रहे थे। अपर उनने जबरदस्ती जी हमारे खिलाफ भी मुकदमा बना दिया और अब चालू है, हमें उस मुकदमे में बराबर ले रखा है जी। अब जी इसी सोच में हैं जी, अब क्या करें, अभी तो हम उस केस में ही लगे हुए हैं, बिजी हैं कि कभी वहाँ पर तफ्तीश में, कभी गवाही में, कभी कहीं कभी कहीं। हमारा पापा यही कुछ तो अपना दूध बेचने का काम कर लेता था, कुछ खेती बाड़ी का काम करता था, कुछ हम भी कमाते थे किसी मजदूरी पे, कहीं भी हमें छोटी मोटी मजदूरी पे लगा देता था, तो जी ऐसे ही अपना घर चला रहा था। जो थोड़ा बहुत पैसा था जी वह भी लुट गया सब, और काफ़ी पैसा जो कुछ मदद मिली है वो मदद जी उसके जो ये केस चल रहा है जी उसमें सारा पैसा उसमें लग गया। कभी कहीं परिवार में जी एक हमारे अब्बा की माँ भी है और हमारी अम्मी है, 8 बहन भाई हम हैं और 2 भाइयों की हमारी शादी हो रही है, तो जी हमारा टोटल परिवार कम से कम 14-15 आदमियों का जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से आज तक कोई कैसी भी कोई सहायता नहीं मिली आज तक, नहीं कोई हरियाणा सरकार का, नहीं कोई राजस्थान सरकार का, कोई पटवारी वगैरह, कोई यहाँ चपड़ासी तगात आज तक नहीं आया हमारे घर। ये अपनी चौकी तो यहाँ से 3 किलोमीटर, अपने चौकी वाले पुलिस वाले भी यहाँ पर आके नहीं देखा अभी तक। सरकार से यही चाहते हैं जी, हमें प्रशासन से हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें मुआवजा मिले और उन लोगों को अरेस्ट हो।